भैया दूसरा मैच आईपीएल का दिल्ली कैपिटल्स वर्सेस किंग्स इलेवन पंजाब यहां पे स्टार्ट होने जा रहा है। हाइलाइट्स इसकी भैया, मैं खेलने वाला हूं किंग्स इलेवन पंजाब लेके। ये मेरी प्रेडिक्टेबल इलेवन है भाई, मुझे लगता है इस टीम के साथ जा सकती है दोनों टीम्स, बट कुछ चेंजेस भी हो सकते हैं, यू नेवर नो। पहला मैच वहाँ पे चेन्नई ने जीत लिया। अच्छा स्टैंडर्ड मीडियम ट्रैक है यार, ये बता देता हूँ। पहला मैच भैया रियल में चेन्नई ने जीत लिया, बहुत ही बढ़िया मैच था, मज़ा आ गया। अब देखते हैं नेक्स्ट में क्या होगा। हेड्स का है वहाँ पे पंजाब ने, सिक्का उछल चुका है भैया, और टेल्स आया, दिल्ली ने टॉस जीत लिया। श्रेयस अय्यर क्या लेने वाले हैं बताओ भाई, जल्दी जल्दी क्या क्या मूड गया आज आपका, क्या करने वाले हो दिल्ली वालों? बॉलिंग करेंगे पहले, हमारी बल्लेबाजी आ चुकी है, गलती कर रहे हो यार, पहली गेंद इसी बीच, चलो देखते हैं। गलती इसलिए बोला, हमने भी बॉलिंग ली थी भैया लास्ट टाइम, और पहली गेंद अच्छा शॉट केएल राहुल, बिल्कुल फॉर्म में लग रहे हैं। पहली गेंद पे बहुत आराम से खेला उन्होंने, दो रन मिलने चाहिए और अच्छी डाइव लगा के उसको पूरा करेंगे। बढ़िया डबल आता हुआ भैया पहली गेंद पे, एक ओवर हो चुका है, 5 रन टीम का स्कोर, गैप में ये शॉट किया, बढ़िया खेला, 4 रन। केएल राहुल की क्लास देखनी है भैया, तो ये शॉट देखिए, बहुत ही अच्छा चौका, बहुत ही बढ़िया चौका था ये, क्या बढ़िया खेला उसको, हल्का सा फेस खोला बैट का, 4 रन मिलेंगे। 1.3 ओवर्स डन, क्रिस गेल स्ट्राइक पे, और गेल है तो भैया चौको छक्कों की बारिश तो होनी होनी है, पहले ही लगता हुआ। और अगली गेंद इसी बीच, और इस बार मिड ऑन नहीं रखा था, बहुत ही बड़ी गलती, और ऊपर से एक बॉल ऐसी करा रहे हो। ईशान शर्मा एक्सपीरियंस बहुत है, लेकिन ये क्या कर रहे हो भैया, क्रिस गेल छोड़ने वाले नहीं थे इसको, वही हुआ द बॉस, और 4 रन मिलते हुए वहाँ पे। चलिए 2.3 ओवर्स हो चुके हैं, रबाडा कराते हुए, और एक बार फिर से क्लास दिखती हुई वहाँ पे केएल राहुल की, बहुत ही बढ़िया चौका एक और आता हुआ। दोनों अच्छा स्टार्ट दे रहे हैं अपनी टीम को, 2.5 ओवर हो चुके हैं। अगली गेंद और आगे बढ़ के कवर ड्राइव लगाया 4 रनों के लिए, ये बेस्ट शॉट है भाई अभी तक मैच का, छोड़ो क्रिकेट 19 का, मेरे हिसाब से अभी तक ये बेस्ट शॉट लगाया है मैंने। देखिए क्या बहुत ही प्यारा आगे बढ़ा और कवर ड्राइव लगा, क्या बात है, केएल राहुल की क्लास वाकई में भाई बहुत सही है। चलिए 2.5 ओवर हो चुके हैं, 28 रन हो चुके हैं, केएल राहुल 17 पे खेल रहे हैं, रपाड़ा करेंगे कंटिन्यू स्टार्ट, जैसे कि मैं कह रहा हूँ अच्छा मिला है अभी तक, और एक और शॉट गैप में एक और चौका, क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया स्टार्ट वहाँ पे पंजाब का। 3.2 ओवर हो चुके हैं, अगली गेंद और अगला चौका, कितने चौके लगने वाले हैं यहाँ पे देखना, काउंट नहीं हो रहे भाई अब तो, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी हो रही है। 4.5 ओवर्स, 40 रन, बढ़िया स्टार्ट, अगली गेंद और लीजिए भैया, स्पिनर के आते यहाँ पे डगमगा गई किंग्स इलेवन पंजाब। रविचंद्र अश्विन प्रॉपर ऑफ स्पिन थी ये, और केएल राहुल उसको बिल्कुल मिस कर गए भैया, मिडल स्टंप दूर गया बहुत ज़्यादा। अच्छी गेंद अच्छा विकेट, केएल राहुल बहुत ही बढ़िया खेल रहे थे, 18 गेंदों पे लगाए 27, 5 चौके। चलिए मयंक अग्रवाल आ चुके हैं नए बल्लेबाज, एक शतक है उनका, 111 लकी होता है उस पर, आउट हो गए होंगे वो। और ओ भैया अगली ही गेंद पे क्रिस गेल आउट, लास्ट बॉल पे ली थी रविचंद्र अश्विन ने विकेट, और अगले ओवर की पहली ही गेंद पे क्रिस गेल आउट होते हुए, ये तो भैया बॉलर से ज़्यादा आई थिंक फील्डर कोई मेहनत है यहाँ पे। बहुत ही अच्छा कैच, बहुत ही खतरनाक कैच था ये तो, बहुत ही बढ़िया भैया एलेक्स कैरी, क्या बात है, 13 रन बना के क्रिस गेल आउट होते हुए, बहुत ही बड़ा झटका यहाँ पे पंजाब को लगता हुआ। सरफराज खान नए बल्लेबाज आए हैं, और ईशान शर्मा अगली गेंद लेके आते हुए, और क्या बात है भैया, बहुत ही अच्छा चौका लगाया वहाँ पे सरफराज खान ने, टीम के भी 50 रन पूरे होते हुए। ये कवर ड्राइव बहुत सही लगता है, बहुत ही प्यारा खेला उन्होंने, 4 रन मिलते हुए किंग्स इलेवन पंजाब को। चलिए 7.4 ओवर हो चुके हैं, और चलो भाई कहानी खत्म हो जाएगी, अंपायर आउट देंगे। सरफराज खान एक चौका बहुत अच्छा लगाया, ओवर पिच बॉल पे विकेट दे दी अपनी, और ईशान शर्मा बहुत ही कुछ, रिव्यू लेने का कोई मतलब बनता नहीं वहाँ पे, बहुत ही प्यारा एज लगा था, अच्छा कैच वहाँ पे ऋषभ पंत का, और उन्होंने पता नहीं कैसे पकड़ के वहीं से उछाल दिया मैजिक। तो सरफराज खान वहाँ पे 6 रन बना के आउट होते हुए। ग्लेन मैक्सवेल आया, क्रिकेट 19 के बेस्ट प्लेयर है, मजाक कर रहा हूँ, बिल्कुल बेस्ट प्लेयर नहीं है भाई क्रिकेट 19 के, वो रियल में है, गेम में तो बिल्कुल भी नहीं है। मजाक में वहाँ पे मयंक अग्रवाल भी आउट होते हुए, थोड़ा सा शायद नॉट आउट लगा मुझे, बट लेट्स सी भैया क्या बनता है। और बोलो भैया रिव्यू लोगे नहीं लोगे, जाते हो नहीं जाते हो, जल्दी जल्दी बताओ, लेंगे जी बिल्कुल लेंगे। मयंक अग्रवाल को नहीं लगता वो आउट है, और मुझे भी शायद लग रहा है ये जो है बॉल लेग स्टंप मिस कर जाएगी, लेट्स सी, बॉल अच्छी थी भैया, और लेग स्पिनर जब अंदर को बॉल ले आए तो मुश्किल तो होने ही वाली थी। मयंक अग्रवाल इसको कुछ और खेलना चाह रहे थे, बैट गई था पैड गई था,
बॉल कहीं और ही थी, चलिए जो भी है, पिचिंग आउटसाइड थी ये और इम्पैक्ट इन लाइन था, विकेट सेटिंग है क्या? बिल्कुल हिटिंग है और इनफैक्ट मिडिल स्टंप पे लग रही है। अंधा हो रहा हूँ मैं धीरे धीरे, मुझे लग रहा है ये मुझे कहाँ से लेग स्टंप मिसिंग लग रही है भाई, क्या बात है। आउट होते हुए और मयंक अग्रवाल 11 रन 15 बॉलों पे, कोई चौका नहीं लगाया, सिंगल्स वगैरह इधर उधर लिए और निकल लिए। दीपक हुडा आ चुके हैं भाई, 108 हाईएस्ट, सबने शतक लगाए हैं, क्या बात है। 10.5 ओवर्स हो चुके हैं, दीपक हुडा एक रन पे खेल रहे हैं, लातों पे गेंद और कोई फील्डर नहीं, क्लासिक क्रिकेट 19 शॉट है ये, बहुत ही बड़ा सिक्स है वैसे यार, अच्छा शॉट, टाइमिंग अच्छी देना तो जरूरी है जो भी हो। अगली गेंद आती हुई दीपक हुड्डा स्ट्राइक पे और लीजिए भैया, दीपक हुड्डा आज बड़े बड़े शॉट्स लगा रहे हैं वहाँ पे, बहुत ही अच्छा सिक्स। थोड़ी मुश्किल में आ चुकी है पंजाब, एक अच्छे स्टार्ट के बाद 4 विकेटें गिरा दी थी, तो ग्लेन मैक्सवेल अब स्ट्राइक पे है, क्या करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे भैया। ग्लेन मैक्सवेल उठाने की कोशिश, सीधा कैच, क्या करें भाई आपका क्रिकेट 19 में, क्या मतलब बिग एंड वालों को क्या कुछ बोल दिया था, क्या प्रॉब्लम हुई थी, जो भी है। और विकेट गिरता हुआ ग्लेन मैक्सवेल का, सिर्फ 9 रन 11 बॉलों पे, कोई चौका कोई छक्का नहीं वहां पे। क्रिस जॉर्डन नए बल्लेबाज आए हैं, 45 नॉट आउट उनका हाईएस्ट स्कोर है, चलिए देखते क्या बनेगा। अक्षर पटेल गेंदबाजी कराते हुए, ओ माई गॉड, रिवर्स स्वीप का चौका लगेगा वहां पे, बहुत ही फाइन, बहुत ही बढ़िया चौका है ये, और मैं भी हैरान हूँ क्रिस जॉर्डन कमाल भैया, तो बहुत ही बढ़िया चौका लगाया उन्होंने, ये तो भैया हर एंगल से देखना बनता है, ऐसा चौका रोज रोज नहीं लगता, क्या बात है, क्या बढ़िया शॉट, क्या बढ़िया चौका। चलिए 14.1 ओवर हो चुके हैं, क्रिस जॉर्डन 6 रनों पे उठा के मारने की कोशिश, टाइमिंग लग नहीं रही है, पीछे फील्डर और एक और विकेट गिरेगा, 100 रनों पे 5 विकेट गिर चुके हैं, एक बहुत ही अच्छा स्टार्ट वहाँ पे पंजाब ने बिल्कुल ख़राब कर लिया अपने लिए, और दिल्ली कैपिटल्स काफ़ी खुश होगी क्योंकि एक अच्छा कमबैक हुआ है। क्रिस जॉर्डन 6 रन बना के अपना विकेट गिराते हुए और नए बल्लेबाज आए हैं कृष्णप्पा गौतम, देखते भैया कृष्णप्पा गौतम यहाँ पे क्या करेंगे। 14.2 ओवर्स हो चुके हैं, स्ट्राइक पे अब दीपक हुड्डा है और अच्छा शॉट वहाँ पे दीपक हुड्डा का, 4 रनों की तरफ ये लग नहीं रहा मुझे निकल सकती है, फील्डर बॉलर दोनों भाग रहे हैं और बॉल जीत जाएगी, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया चौका मिलता हुआ उन्हें। और 15.1 ओवर हो चुके हैं, 29 पे दीपक हुड्डा, तो लास्ट ऑफ कह सकते हैं इन्हें किंग्स 11 पंजाब की, कि भैया जब तक खड़े हैं रन आ रहे हैं, आउट हो गए तो वो आना बंद हो जाएंगे, उन्होंने अपना गैप पकड़ लिया, स्पिनर उन्हें वहां बॉलिंग मारी जा रही है, वो वहां पे शॉट मारी जा रही है, दोनों का आई थिंक डील सेट हो चुकी है। ओ भैया इसी बीच स्पिनर से हुई होगी, लेकिन पेसर को तो सीधा ही मारना पड़ेगा, दीपक हुड्डा का ये बहुत ही अच्छा सिक्स है, क्या बढ़िया शॉट है, लॉन्ग ऑफ था नहीं, मिड ऑफ के ऊपर से मारना था, वही किया उन्होंने, वैसे उन्होंने जैसे मारा भैया लॉन्ग ऑफ भी होता कोई फर्क नहीं पड़ता वहां पे। 17.2 ओवर हो चुके हैं, कृष्णप्पा गौतम स्ट्राइक पे हैं और क्या बात है, बहुत ही फाइन, बहुत ही प्यारा चौका है ये, बहुत ही बढ़िया चौका, कुछ नए शॉट्स आज देखने को मिले जो कि एक अच्छी बात है, और अच्छा चौका था ये, बहुत ही अच्छा चौका, ऋषभ पंत के बिल्कुल पैरों के पास से निकला ये। 18.5 ओवर हो चुके हैं भैया, और लीजिए दीपक हुड्डा ने किस स्टाइल में अपनी 50 की है कि क्या ही बोला जाए भाई, बहुत ही बढ़िया क्रिकेट दिखाया उन्होंने, विकेट्स गिर रही थी लेकिन उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा, 4 छक्के लगे भाई, 2 चौके, स्ट्राइक रेट लगभग 190 के आसपास का। लास्ट ओवर आ चुका है, पहली गेंद कृष्णप्पा गौतम है स्ट्राइक पे और उठा के मारने की कोशिश, कोई फायदा नहीं होगा, अपना विकेट गिराएंगे, स्लो खेल रहे थे काफ़ी ज़्यादा, बट आई थिंक इस टाइम विकेट ही बचा रहे थे वो अपनी, लास्ट ओवर था तो हिटिंग की कोशिश, रविचंद्र अश्विन को उठा के मारना इतना ईजी नहीं होने वाला था। चलिए 16 बॉलों पर 11 रन बना के कृष्णप्पा गौतम का विकेट गिरता हुआ। रवि बिश्नोई नए बल्लेबाज आए हैं, 22 नॉट आउट उनके हाईएस्ट है, लेट्स सी लास्ट 4 बॉलें बची है, बिश्नोई क्या कर सकते हैं, बिश्नोई भैया बोल्ड हो जाएंगे, बहुत ही बुरी तरह बोल्ड हो जाएंगे वहां पे, दोनों विकेट्स जाती हुई, क्या बात है, सोच अच्छी थी फाइन मारने की, बट आई थिंक जितना बाउंस वो एक्सपेक्ट कर रहे थे उतना उन्हें मिला नहीं, और वो भी थोड़ा ज़्यादा ही शफल कर गए, जो भी है, इन ऑल आउट होते हुए पहली ही गेंद पे अपना विकेट गिराया उन्होंने। और नेक्स्ट बल्लेबाज अब आया मोहम्मद शमी, कोशिश ये भी बड़े बड़े शॉट्स की काफ़ी करते हैं, लेट्स सी यहाँ पे क्या बनता है भैया। मोहम्मद शमी पहली गेंद उठा के लगा दिया वहाँ पे, फील्डर आते हुए और लीजिए एक और विकेट, रविचंद्र अश्विन भैया 3 विकेट्स ले जा चुके हैं यहाँ पे, हैट्रिक नहीं हुई है क्योंकि बीच में एक बॉल पे दीपक हुड्डा ने सिंगल ले लिया था, तो हैट्रिक नहीं हुई है भैया, पहली विकेट गिरने के बाद वहाँ पे दीपक हुड्डा ने सिंगल लिया था, जो भी है
नौ विकेट गिर चुकी है 143 रन 143 में। मिक्स क्यों कर रहा हूँ, लास्ट बॉल आ चुकी है, मुजीबुर रहमान स्ट्राइक पे हैं और उनके कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो फाइनली 144 पे पंजाब की ये इनिंग खत्म होती हुई 20 ओवरों में। ठीक स्कोर है, बहुत कम भी नहीं है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, मज़ेदार मैच होने की उम्मीद है यहाँ पे भैया, देखते हैं क्या बनेगा। तो चलिए, शिखर धवन आ चुके हैं, पृथ्वी शॉ आ चुके हैं वहाँ पे, और मोहम्मद शमी पहला ओवर कराने को बिल्कुल तैयार, पहली गेंद कराने को तैयार। आगे शिखर धवन क्या बनने वाला है, पहली ही गेंद सीधा फील्डर के पास जाएगी, रन वहाँ पे कोई भी नहीं मिलेगा और स्टार्ट मिल गया वहाँ पे दोनों टीम्स को। चलिए, चौथी गेंद आती हुई और बहुत ही अच्छा शॉट खेला, दो फील्डर्स थे दोनों के बीच में से निकाला, चार रन मिल जाएंगे। शिखर धवन भैया क्लासिकल प्लेयर है, वही शो किया उन्होंने। और अगली गेंद, लास्ट गेंद आती हुई, एज लगेगा और चार रन निकल जाएंगे, क्या बात है भैया। तो दो चौके आ चुके, 10 रन पहले ओवर में, और अगली गेंद इसी बीच पृथ्वी शॉ का अच्छा शॉट है यार ये, और दो रनों की ट्राई हो सकती है बिल्कुल वहां पे होती हुई। ओके, काफ़ी क्लोज हो सकता है ये, अंपायर भी थर्ड अंपायर के पास चले गए, उनके भी समझ नहीं आया भैया ये वाकई में ही काफ़ी क्लोज है। मैं भी थोड़ा सा बोल रहा हूँ कि ये एक तरफ से लग रहा है जैसे पहुंच चुके हैं, माइट भी बैट हवा में, और श्योर नहीं इस चीज़ को लेके, बिल्कुल बिल्कुल हवा में होगा भैया, बैट आउट हो जाएंगे और क्या बात है। शिखर धवन 10 रन बना के आउट होते हुए, अच्छा स्टार्ट ले रहे थे तो पंजाब खुश होगा भैया। कप्तान आ चुके हैं श्रेयस अय्यर, 147 हाईएस्ट स्कोर, ओ माय गॉड ये कब हुआ था। चलिए जो भी है, श्रेयस अय्यर और आते ही भैया क्या चौका लगाया श्रेयस अय्यर ने, बहुत ही बढ़िया, चार रन मिलेंगे वहां पे, बहुत अच्छा चौका। और अगली गेंद श्रेयस अय्यर को, और इस बार लेग साइड पे चौका लगाएंगे, ज़्यादा फील्डर्स हैं नहीं लेग साइड पे, तो बॉलर भैया सोच ही नहीं सकते विकेटों पे आने की या विकेट लेग साइड पे आने की, यही होने वाला है। श्रेयस अय्यर क्लासिकल प्लेयर, बढ़िया चौका, देखिए कि बहुत पहले जैसे पता चल गया था उन्हें, और बहुत ही अच्छा चौका। चलिए अगली गेंद पृथ्वी शॉ स्ट्राइक पे ऑफ साइड पे लगाएंगे, बहुत ही अच्छा शॉट, फील्डर पीछे है, कोई फ़ायदा नहीं होगा, चार रन और मिलेंगे। तो रन रेट, मैं लास्ट टाइम भी एवरेज बोल गया था गलती से भैया, रन रेट बिल्कुल सही बनाई हुई है वहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स ने। अगली गेंद, अगला शॉट, अश्विन कहाँ से आगे, अश्विन अच्छा बॉलिंग करा रहे, ओके चार रन मिलेंगे वहाँ पे, थोड़ी ज़्यादा बोर, या बिश्नोई करा रहे, ओके सॉरी वही मैं थोड़ा कन्फ्यूज हो गया था, और विकेट ले जाएंगे, मैं यहाँ कन्फ्यूज बैठा हुआ हूँ, बिश्नोई उतने में विकेट ले जाएंगे, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया विकेट मिली है उन्हें, और खुशी तो डेफिनेटली होने वाली है। काफ़ी बड़ा एज, अच्छा कैच वहाँ पे केएल राहुल का, ये चीज़ यहाँ पे भैया नज़रअंदाज नहीं कर सकते, और बहुत ही बढ़िया कैच लिया उन्होंने। और श्रेयस अय्यर कप्तान वहाँ पे वापस जाएंगे, कितने रन्स बनाए हम देख नहीं पाए। ऋषभ पंत आ चुके हैं बल्लेबाजी करने, बड़े बड़े हिट्स देखने को मिलेंगे क्या ऋषभ पंत के बल्ले से, ये देखना होगा। मुजीबुर रहमान गेंदबाजी कराते हुए, और लीजिए बहुत ही अच्छा शॉट है ये, बहुत ही अच्छा चौका जाएगा, अरे नहीं जाएगा, नहीं जाएगा भाई, नहीं जाएगा, जल्दी बोल देता हूँ कई बार मैं, पर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। थ्रो अच्छी आई है, काफ़ी दूर रह गए, ये आउट होंगे भाई, ये आउट होंगे, एक तो चौका रोका, ऊपर से थ्रो इतनी बढ़िया मारी है ये फील्डर, नहीं भैया ये कौन थे, सरफराज खान, अलग ही लेवल, लास्ट रन आउट भी आई थिंक इन्होंने किए थे भैया, और ऋषभ पंत शुरू होने से पहले ही वापस निकल लिए। हेडमायर आ चुके हैं बल्लेबाजी करने, खतरनाक बल्लेबाजों में से एक है भैया, बिश्नोई कराएंगे अगली गेंद, और लीजिए हेडमायर की मैं बात ही कर रहा था, वही होता हुआ, चार रन बहुत ही आराम से लगाए हैं वहाँ पे हेडमायर ने, हाँ हाँ दे दो चौका आराम से। अगली बॉल आती हुई हेडमायर स्ट्राइक पे, और लीजिए पहला लेग पे दूसरा ऑफ पे, भैया दिखाते हुए हर तरफ मार सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है भाई, अच्छा प्लेयर हूँ मैं भी। चलिए पांचवी गेंद, हेटमायर पहुंच चुके हैं 10 रनों पे, अराउंड ऑफ स्टंप, और एक और अच्छा शॉट, गैप बहुत अच्छे फाइंड कर रहे हैं भाई, मानना होगा हेटमायर दिक्कतें बढ़ाने वाली है किंग्स 11 पंजाब की। लास्ट बॉल आ चुकी है, बिश्नोई भैया क्या करने वाले हैं, ऑफ स्टंप के पास, ओके क्रिस गेल ने कमाल का कैच पकड़ा है भाई वहाँ पे, बहुत ही अच्छा कैच पकड़ा है, आई थिंक ये तो ऐसे लग रहा था जैसे एरोप्लेन के लिए बॉल निकल रही थी, बीच में आ गए वो, बहुत ऊंचा शॉट जा रहा था, हाइट का पूरा फायदा उठाया उन्होंने, यहाँ से आराम से देखते हैं, बिल्कुल भैया कोई और होता तो कभी नहीं पहुंच सकता था, ये काम सिर्फ क्रिस गेल कर सकते थे और उन्होंने करके दिखाया। हेटमायर जो बहुत खतरनाक थे वो आउट हो चुके, एलेक्स कैरी आ चुके भैया, कैच अच्छा पकड़ा था आज उन्होंने। लेट्स सी बैटिंग में क्या करते हैं, पृथ्वी शॉ स्ट्राइक पे, इसी बीच पृथ्वी शॉ निकाल गए, आई थिंक हेटमायर भी यही ट्राई कर रहे थे, बट वो
थोड़ा लेफ्ट राइट से नहीं निकाल पाए क्रिस गेल के। पृथ्वी शॉ का अच्छा चौका, एलेक्स कैरी स्ट्राइक पे, बिश्नोई कराएंगे गेंदबाजी। और लीजिए ये देखिए, लास्ट टाइम कॉन्टेंट डिकॉक ने ये प्रॉब्लम, ये सेम चीज की थी और इस बार इन्होंने कर दिया। भाई बाहर जाती हुई गेंद को क्यों छेड़ रहे हो, वाइड के आसपास थी वो तो, पर छेड़ना भी पड़ना था, मजबूरी थी उनकी। जो भी है बहुत ही बढ़िया बोल्ड हुए भैया बिश्नोई, आई थिंक 3 विकेट्स लेके बहुत ही अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं। और एलेक्स कैरी से 5 रन बना के अपना विकेट देके जाते हुए भैया नए बल्लेबाज आएंगे, रविचंद्र अश्विन। बल्लेबाजी अच्छी करते हैं क्रिकेट 19 में, लेट्स सी आज क्या करने वाले हैं। चलिए अगली गेंद आती हुई और स्लिप में गया, चल सकता है, बिल्कुल होगा, क्या बात है, अश्विन भी आउट होंगे और मुश्किल अब दिल्ली कैपिटल्स के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें बढ़ चुकी है। विकेट्स जो है वो गिर रही हैं, स्पिनर्स भैया इस पिच पे बहुत खतरनाक साबित हो रहे हैं, फिर चाहे वो दिल्ली कैपिटल्स के थे और चाहे वो पंजाब के। और क्रिस गेल भाई मस्त स्लिप के फील्डर बन चुके हैं इस टाइम पे, बहुत अच्छी कर रहे हैं स्लिप पे फील्डिंग। अक्षर पटेल आ चुके हैं इसी बीच, 48 उनका हाईएस्ट स्कोर है, कल कुल्टर नाइल का 48 था आई थिंक हाईएस्ट स्कोर, भूल गया मैं, जो भी है। और लीजिए पृथ्वी शॉ भी आउट हो जाएंगे, तो अब तो दिल्ली के लिए चीज़ें जो है वो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल भी हो चुकी है, काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, क्योंकि पृथ्वी शॉ सेटल्ड बैट्समैन थे, जिता सकते थे, एंड तक ले जाते मैच को। तो ये विकेट टर्निंग पॉइंट हो जाएगा भैया दिल्ली कैपिटल्स के लिए, काफ़ी देर बैटिंग की उन्होंने और एंड में आउट हो गए, समझ नहीं पाए इतने ज़्यादा। 37 बनाए 36 गेंदों पे, 3 चौके लगाए, एक साइड अपनी संभाली हुई थी बहुत अच्छी उन्होंने, लेकिन अब नहीं। संदीप लमिजा ने आए हैं भैया और मैच ऑलमोस्ट ओवर लग रहा है उनके लिए, लेट्स सी क्या बनता है। 51 चाहिए 31 बॉल्स पे, पर बात आती है मारने कौन वाला है। ओके संदीप लमिजा ने कह रहे भाई मैं बैठा हूँ, मैं मारूंगा, पहले ही क्यों बोली जा रहे हो। चौका अच्छा लगाया उन्होंने। अक्षर पटेल भी वैसे बैटिंग कर सकते जितना मुझे याद है, लेट्स सी देखते क्या बनने वाला है। ऑफ साइड पे खेलने की कोशिश, पीछे फील्डर भागे बहुत सही है भाई वो, और कैच भी पकड़ लेंगे। तो चलिए मैंने कहा अक्षर पटेल अच्छी बैटिंग कर सकते, उन्होंने कैच दिया और अपनी विकेट दी और वो चले गए। बहुत ही बढ़िया, 4 रन बनाए उन्होंने 8 गेंदों पे, और स्पिनर्स का कोई जवाब नहीं है, दिल्ली कैपिटल्स के पास कोई जवाब ही नहीं है, 3 स्पिनर्स लगे हुए हैं और कोई जवाब नहीं। रबाडा आ चुके हैं और उधर से जॉर्डन, अब तो पेसर आ चुके हैं और पेसर को भी उठा के मारने की कोशिश, सीधा कैच जाएगा लॉन्ग ऑफ पे जाएगा। लास्ट ओवर है, मैच बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, दिल्ली कैपिटल्स एंड में हथियार डाल चुकी है भैया, कोई कुछ नहीं कर पा रहा उनकी टीम में से, और ये मैच काफ़ी वन साइडेड एंड में होता हुआ। चलिए ईशांत शर्मा आ चुके हैं, क्या एक और ऑल आउट देखने को मिलेगा हमें, 35 चाहिए 2 बॉलों पे। और चलिए जाते जाते ईशांत शर्मा ने एक चौका दिखा दिया, और मैच तो नहीं जीत सकते, थोड़ा सा खुश हो जाएंगे कि चलिए चौका मारा। लास्ट बॉल 31 रन अराउंड ऑफ स्टंप, उन्होंने बहुत ही आराम से खेला, विकेट नहीं गिराया, आई थिंक नॉट आउट जाने की कोशिश थी। किंग्स 11 पंजाब की बहुत ही बड़ी जीत भैया, 30 रनों से ये मैच उन्होंने जीता है, और मैन ऑफ द मैच नो डाउट दीपक हुड्डा बनते हैं, जहां सब ने ऑलमोस्ट बैटिंग में मुश्किल हुई है, लोकेश राहुल अच्छा खेल रहे थे और दीपक हुड्डा तो बहुत ही अच्छा खेले हैं। अब बात आती है क्या सच में किंग्स 11 पंजाब कल जीत पाता है या नहीं। चलिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, कल मिलते हैं।